नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। स्टीवन स्मिथ खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और इसका असर पूरी टीम पर दिखा है। स्टीव स्मिथ की खराब बल्लेबाजी की वजह से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है और बाकी के बल्लेबाजों ने भी रन नहीं बनाए हैं। पिछले चार पारियों में स्टीवन स्मिथ सिर्फ 10 रन ही बना सके हैं और एक बार एक रन बना कर नाबाद रहे थे। अब इस पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर माइक हसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की है और बताया कि आखिर क्यों स्टीवन स्मिथ फ्लॉप साबित हो रहे हैं। ESPN क्रिक इन्फो द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में माइकल हसी ने बताया कि भारत ने क्या प्लानिंग स्टीवन स्मिथ के सामने रखी थी। उन्होंने कहा, स्टीव स्मिथ अभी तक इस सीरीज में रन नहीं बना पाए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है। उनके सीरीज जीतने की उम्मीदों को भी ये झटका लग सकता है। भारत ने स्मिथ के खिलाफ बेहतरीन प्लानिंग की है। टीम इंडिया ने उनके स्टंप को अटैक किया है और सीधी गेंदबाजी करके लेग साइड में फील्ड लगाई है। इससे उनके रन बनाने की संभावनाएं खत्म हो गई है और ये रणनीति काफ़ी कारगर साबित हो रही है। माइकल हसी ने बताया कि किस तरह अश्विन के अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी स्टीवन स्मिथ के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने कहा, मैंने देखा है जसप्रीत बुमराह ने खास तौर पर छोटी गेंदें डालकर उनको पीछे धकेला है और फिर इसके बाद उनके स्टंप पर अटैक किया है ताकि वो LBW आउट हो जाए। स्टीव स्मिथ का फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ के अलावा मार्नस लबुशेन का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है। उनके बल्ले से एक भी पचासा अब तक नहीं निकला है। साथ ही ऊपरी बल्लेबाजों के फ्लॉप होने का पूरा दबाव स्टीवन स्मिथ पर आता है और स्मिथ ना चले तो पूरी टीम धराशायी हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि सिडनी टेस्ट मैच में स्टीवन स्मिथ के बल्ले से रन निकले। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।